महाकाल लोक की इस अद्भुत और अलौकिक तस्वीर का गवाह पूरी दुनिया बनी थी। अब इसी महाकाल लोक की तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हनुमान लोक का सपना देखा है। राज्य सरकार ने इसके लिए 35 करोड़ रुपए की लागत से श्री हनुमान लोक योजना बनाई है। इस योजना के तहत छिंदवाड़ा जिले के विश्व प्रसिद्ध जामसावली हनुमान मंदिर को भव्य रूप दिया जाएगा। लगभग 26.5 एकड़ क्षेत्र में प्रथम चरण में श्री हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्री हनुमान लोक का भूमि पूजन भी कर दिया है। श्री हनुमान लोक में प्रथम चरण में मराठवाड़ा वास्तुकला से प्रेरित भव्य प्रवेश द्वार से भगवान के विराट स्वरूप की छवि दिखेगी। मुख्य प्रवेश द्वार से प्रथम प्रांगण तक 500 मीटर लंबा चिरंजीवी पथ बनेगा। पथ और प्रांगण के 90,000 वर्ग फुट क्षेत्र में कलाकृतियों से अंजनी पुत्र हनुमान जी के बाल स्वरूप का मनोहारी चित्रण होगा। लगभग 62,000 वर्ग फुट क्षेत्र में मूर्तियों एवं कलाकृतियों के माध्यम से भक्त शिरोमणि हनुमान जी के भक्ति स्वरूप का चित्रण होगा। साथ ही रामलीला एवं धार्मिक आयोजनों के लिए जलाशय के तट पर 12,000 वर्ग फुट क्षेत्र में मुक्तकाशी मंच बनेगा। संजीवनी बूटी लाने वाले भगवान के संकट मोचक स्वरूप से प्रेरणा लेकर परिसर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी बनाया जाएगा। द्वितीय चरण में रामटेकड़ी पर्वत की परिक्रमा के लिए संजीवनी पथ का विकास, अष्ट सिद्धि केंद्र एवं संस्कृत विद्यालय, योगशाला, प्रवचन हॉल एवं ओपन एयर थिएटर, जाम नदी पर घाट का निर्माण, वाटर फ्रंट पाथवे एवं सिटिंग एरिया, भक्त निवास, भोजनालय तथा गौशाला का निर्माण होगा।